दिन का 10 बजे वाला है। अब भाई बिटिया खाना पानी लेके ना आई, पता नहीं लड़कन का बताई, ये सब ख्याल कूदम पड़ जाती है, ना ध्यान देती हैं बापू भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं। चलो भैया थोड़ी देर इंतजार करते हैं। बापू आ गई पूत, क्यों नहीं, चलो खाना खा लो। लाओ पहले खाना खाई, फिर थोड़ा काम और रहेगा। है बिटिया बहुत जोर भूख लगी हो। हाँ बिटिया भूख तो लगी। गैयर कहीं हाँ पानी आने पियाया ही रहो। अरे बाप रे बाप, मैंने पानी तो पिलाना ही भूल गई। तो बिटिया हम बताई, तुम जाओ दौरी गाय पानी पियाओ जाए और पहले हम खाए रहे। ठीक है बाबू, जाओ गाय को पानी पिला के तब आओ। से देख, हाँ इसमें भीमा की झोपड़ी कौन है? भीमा के, भीमा के यार यहाँ घर है। भीमा का ये घर है? हाँ हाँ, घर से बात है, है। तो चल चल फौरन आज भीमा की झोपड़ी में मुलाकात करते हैं। चलो आओ, चलो भैया। अब खाना खा लेन है, अब ग्वार हाथ बड़ा दर्द कर दे, तन को हम आराम कई ले। तुमका देख लिहिन तो पहुड़ी गए। इसका मतलब यही दे भीमा परे नौकर। हाँ, ये साला भीमा सो रहा है। हाँ मालिक, ये भीमा सो नहीं रहा है बल्कि भीमा की किस्मत सो रही है। सब हम इसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, साला बैठा नजर आ रहा था, वो है बता रहे। और आज जब हम लोगों को देखा तो साला सो गया। चलो जगाइए, चल फौरन इस भीमा से बात कर, कर आ मेरे पास। साहब जय राम। भीमा कहिए ठाकुर साहब, तुझे ये नहीं पता है कि कौन तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है या कि नहीं? मकार भीमा तो बन कर बैठा तू है और सहन साहब का मेरी और आया
ठाकुर साहब का तबियत ना ही बढ़िया रहे तनको आराम करे लागे ना आँखी लाग गई ठाकुर साहब। भीमा कहिए ठाकुर साहब, इस समय तू नहीं बल्कि तेरी किस्मत सो रही थी ठाकुर साहब। नौकर भीमा कहिए, आज मैं किस लिए तेरे पास आया हूँ? कैसे आयो ठाकुर साहब? भीमा और रकम तू अदा करी और अब पाई पाई रकम तू और अभी पाई पाई और नहीं पार हट करी साहब। लाओ तो चूने जो पिछली रकम ठाकुर साहब से 3,000 रुपये लिया था उसका मिलाकर सोत ब्याज तो जानता है कितना हुआ होगा? कितना हुआ ठाकुर साहब? 3,000 रुपये मेरे जमा खाता के ठाकुर साहब के थे और इसे एहसास नहीं है कि उसका ब्याज क्या हुआ है। कितना हुआ ब्याज ठाकुर साहब? भीमा आज मैं ब्याज की सहित तुझे देना होगा रकम। सोच के 5,000 हुआ है ठाकुर साहब। आज सब बरसात हुई गई ठाकुर साहब, गेहूं एहूं भाई कुछ नहीं है। गेहूं अभी नहीं दे पाई बा सरकार। अच्छा हाँ तो अभी नहीं दोगे? आज ये ठाकुर भानु प्रताप तुझसे अपने बकुली रकम लेकर आया है और आज ये तुझसे रकम लेने आएगा, तुझे एहसास नहीं होगा। भीमा लाओ लाओ मारो। ओ,
मिटिया बहुत चोट लागत है दूध। क्या मालिक या हो पूछो पूछो यू को है पूछो ये बुढ़वा सारे तो पूछो यू को भीमा ठाकुर साहब कौन है रे ठाकुर साहब साहब हमारी बिटिया है माया की लौड़िया ठाकुर साहब चाचा जरा सी गलती ठाकुर साहब तो लौड़िया या तुम्हारे ने हाँ भैया बिटिया हमारे है लौड़िया का बिल्कुल गुलरी का फूल कर मालिक लौड़िया के विषय में बात करो कहो पैसा सब माफ हो जाए और कह दो 200-400 रुपया महीना और मिली है अरे चाचा भीमा कहिए भीमा ठाकुर साहब ये कौन है ये हमारी बिटिया है ठाकुर साहब बड़ी बिटिया है इनका नाम माया है ठाकुर माया हाँ ठाकुर साहब ओ भीमा चाचा लगता है बुढ़ापे के साथ तुम्हारी अकल भी डैमेज हो रही है और जिसके घर में माया हो उसके घर में कंगाली हो काहे ठाकुर साहब मजाक उड़ाए रहे हो भीमा समझने की बात तो ये है बताए दो ये तेरी बेटी माया है कितना प्यारा नाम और कितना अच्छा नाम जिसके घर में माया वहां से कभी नहीं जाएगी अच्छे अच्छों की बात फिटिंग काम सिटिंग सही बतायो भीमा चाचा ठाकुर साहब तुम जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर में हो और तुम रकम की बात करते हो वो सोच 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 भीमा चाचा से सिर्फ मूलधन लिया जाएगा ब्याज नहीं लिया जाएगा अब हम कह रहे मूल धन ना ले मार का 3000 हिया वो पैसा तुम्हार हम सब माफ करवा दे अच्छा हाँ जोनी बिटिया है तुम्हारे यहाँ ठाकुर साहब कह रहे हुआ पठवो ठाकुर साहब कह रहे हैं जोनी ठकुराई नहीं है उनकी कुछ तबीयत पिराई रही है और 2-4 दिन ही काम करे हैं पैसा हम माफ करवा दे क्या भैया तबीयत खराब होते तबीयत पिराते कैसे है यहाँ है दड़बड़ चल रहा अच्छा। और पैसा वाले है हाँ इनके दुई दुई मारुति है हम जाने थे मारुति कार बोलो हाँ बताओ भैया देखो जमाना है बहुत खराब पूत और बिटिया का यहाँ सयानी बिटिया हमारी है हम भैया दूसरे घर ना भेज पैबा देखो बिटिया का हम भैया ना भेज पैबा लगता है भीमा की अकल ठिकाने नहीं है इसलिए इसकी भैंस पानी में गई भीमा हाँ ठाकुर साहब मैं तो से रजामंदी की बात कर रहा हूँ ये अपनी बेटी माया जो है इसे थोड़ी देर के लिए ठाकुर साहब के हवेली तक पहुँचा दे ठाकुर साहब जो काम होए वो हवेली में यहाँ हम कई बार चले लेकिन ठाकुर साहब बिटिया ना भेज पैबा इसका मतलब भीमा मेरी बात तुझे सुटका नहीं बल्कि इनकार है ठाकुर साहब नौकर भीमा तो इससे नहीं भेजेगा मेरे साथ बिटिया का नाम ठाकुर साहब अगर से बात है भीमा तो चलो करते
तुम यहाँ से हटो मालिक चले जाइबा। तुम्हारे कहे का मतलब हम सब समझ रहे हैं ना। तुमका हमारी कसम है, सही बतायो। ये बताओ कि हमारे यहाँ पुरखा पानी पत्ता पई है कि नहीं पई। अगर तेरा मालिक चखेगा हाँ, पहला नंबर मेरा दोस्त हाँ, पराने प्रताप का होगा हाँ, और दूसरा नंबर भानु प्रताप का। अच्छा तीसरे में पहुँचाए दे हाँ, तीसरे में पहुँचाए दे मालिक। इंतजार करी बा, तीसरे में तुझे आराम मिलेगी। यह जाई थी है ध्यान रखे उबरी करो। अच्छा मालिक आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए माया लड़की हो और लड़की एक देवी स्वरूप होती है और हम देवियों से पैया पलौठी नहीं कराते। हाय रे माया, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। माया सुनो मेरी बात, समय कुछ ना जाता है, थोड़ी सी बात। फिर आगे मालिक इके बदिक आए नहीं कहीं दिन है की लौड़िया क्या काम हम दे नहीं। बात करना चाहता और ये औरत नहीं हो प्यारी। हाय हाय
आया, कसम ऊपर वाले की मैं मिट चुका हूँ तेरी चाह में। काफी दिन और काफी समय हो चुका है माया, अगर आज तुम हमारे पहलू में आ जाओ तो कसम ऊपर वाले की मैं यूं ही समझूंगा कि मेरी जन्नत खुल गई है। आप सब कहना चाहती हूँ मैं, दो चार पांच सौ की बात हो, नौ करवा रे पंसौहा, सौ दो सौ पर काम नहीं होगा, लगता है पंसौहों की बरसात होने पाएगी। हाय हाय माया, अरे हंसे पे देवर सौआ, अच्छा ये चुम्मा पे पल सौआ, हजारा मेरी बात को इनकार करिए, दुनिया की ताकत कौन तुझे मुझसे बचाएगी माया? हाँ तो तुझको समझाए
में जबरदस्ती करना चाहता था, अगर कहीं का मैं अपनी आंखों से देख लूं, से टपका और इस कबाब की हड्डी बनकर तू जब यहां दो संगठन दो में थे, तुम साले कहां के राखी बंधन के भैया? अरे नहीं नहीं भैया नहीं, किसी और कोई और भैया होगा, मुझे माफ करना। मैं रास्ते से गुजर रहा था, अचानक हमरे कानों तलक आवाज बचाओ बचाओ की पड़ी। मैं यार दौड़ता यहां चला है। ओ भैया, यही तो गलत फहमी है हमरी, ये बचाओ बचाओ नहीं, कह रहे थे कि उठे। ये कह रही थी उठाओ उठाओ। दरअसल बात ये थी भैया, ए अमित भाई टोपोले, ये बोलता है कि कह रही थी उठाओ 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 उठाओ। अरे यार यही तो हमरी बहुत बड़ी गलत फहमी हुई, मुझे माफ करना भाई साहब, मैं चलता हूँ। आदाब। क्या हुआ? तुम्हें बचा लूं? अरे वो बोलता है कि अगर लड़की कह रही थी उठाओ उठाओ और मैं जब चला तो तुम बोलती हो मुझे बचा लो। ये बात ये दरअसल थी, ये बिचारी मेड़ पे निखर रही थी और साला दोपहर में भैया रा बूंदी बांदी हो गया और जरासल घास पर से इसका पैर फिसला और इसने कहा उठा। तरह हम जूते पाएंगे मादर चो, शायद औकात भूल जाओगे तुम तो भैया हमारे पर कोई शक कहा। अरे तुम साले बोलते हो कि ये बोल रही थी उठा उठा और जब मैं यहाँ से निकला तो ये बोलते भैया मुझे बचाओ बचाओ। हम बताएंगे अभी बार हम बताएंगे तुम्हें, अब तुम इस वक्त दफा हो जाओ। कौन हो भैया तू? मुझे जाना नहीं, सुन मैं कौन हूँ। कौन हो? पार्वती का बेटा हूँ। अरे करण, और भैया बताओ पहले बहुत बड़ा फायदा है भैया करण, हम ना तुम्हारे में बिगड़े और ना तुम हमारे में बिगड़ो। बात दरअसल यह है। कौन सी? अब इधर से आयरन भैया वो गन्ना का 10 बीघा हुआ है ठाकुर साहब जी। हाँ उड़ा लट्ठे तो कहा मर गए, कहा है रे यो सर 50 ग्राम मर रहा हुआ भंडरियों की नाश हो गए, रहा हुआ बलव वो मरेगा। अब तो कोई नहीं आएगा, अब तुमको मैं समझाऊंगा। मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम जब इस लड़की की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहते थे, तुम इस लड़की की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहते थे तो हम तुम्हें माफ नहीं कर सकता। साले अगर जुबान गलत चल गई तो तुम्हारा भेजा निकाल दूंगा कहीं। देखो भैया, देखो करण, हम तुम्हारा बताए
भाई बताओ बताई वाली बात छोड़ा यार। अब चूल्हा ने उतना पहले आवाज देखो कहाँ से कौन आ रही है। 50 कुड़ा 50 जानवर चल रहे हैं। उरे बलवा अब लगा लगाएंगे अब मारूंगा नहीं। अब तो लगा लगाए। अब तुम ये बात बताओ भैया और सताया तूने इसे सताया तूने इसे और मैं तुझे सता जवाब चल गई मुख से तो तेरी जवाब निकाल का खा जाऊंगा। चल साले आगे ना मारे तेरी बहन की बुरी ठाकुर केरी चक्कर वो गए। अब तुम इस लड़की के पैर छोगे और बहन कहोगे नहीं तो ठकुराई तुम्हारी गांड में खोन देंगे। अभी साले समय बहन कहोगे बहन हम फिर कही तो साले क्या कहोगे क्या कहोगे अगर बहन नहीं कहोगे तो तुम जी जी कहोगे क्या कहोगे तुम बहु निपोरा दमी साले हम बताऊंगा अभी क्या कहोगे बोलो बोलो हटाओ तुम चलो मैं हटाऊं क्या कहोगे ए लौड़िया बिटिया लौड़िया बिटिया नहीं साले खोसड़ बहनी महतारी गरियाओ नहीं साले बोलते हैं लौड़िया बिटिया बहनी महतारी सीधा गरियाओ खोसड़ साले कहीं हाय बिटिया तुम बैठ रहो तो सबसे सुबह नहीं तुम्हें जब तक खवाए हम आ रहे तुम का बताइबा कहका बताओगे वो उनते कहीं तो जानवर सारा काचर रहे जब तक पौड़ा खाई नहीं अरली वाले वत्तई का बताइबा चलो चलो कहो देखो बिटिया बिटिया अटा यार तुम चलो चलो पैर छू बिटिया क्या है
इधर खड़ी हो घामेवा देखो बिटिया यह समाज की बात है आए आए समाज की बात है हाँ तनको पीछे अब घूमो बिटिया पीछे घूमे यही मत साइड लाइन लेन जब ये पैर तो हमारे छुएगा सब लोग स्वागत कर दे रहे हैं इनको साला पैर छुए तो जरा तालियों से स्वागत कर देना सब लोग यार समझाते हो भैया इंसान है और माफ कर दो मुझे दूरी हट भैया और माफ कर दो मुझे हाय प्यारी बिटिया मेरी दादा और माफ कर दो मुझे प्यारी बिटिया मेरी भूल कर मौसम बनाए पाए रहन सब बेकार करेगा ये मौसम मौसम बनाता समय लागत है हेलो 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 भैया बजाए हो ना कोई जन हाँ तो इधर आओ लौंडिया धन्यवाद जाने दो साले भागे हो इंसान का पीछा नहीं करता आज नहीं तो कल कल नहीं तो कभी साला फंसेगा फंसेगा अरे भैया मत बापे बापे मत मारो मुझे मैं चौथे की भागड़ी कौन सी गलती हुई है मुझसे क्या हुआ
अरे कहाँ जा रहा रे? कोई लोग डंडा लाठी मत देना यार यार। अरे बहादुर आ गया, हट जल्दी हट। हम का तुम जान चला है? मैं नहीं जानता हूँ भैया, हमारे परिचय बताओ तो नींद के। ऐसा मत कहो भैया, आइस कोई चौराहा नहीं। हाँ हाँ, आइस कोई चौराहा नहीं है। जौने चौराहे पर 10-20-50 रुपए हम चाहिए नहीं। बस बस, जान गया जान गया जान गया जान गया जान गया जान गया। हाँ, अरे आइस कोई गाँव नहीं है। हाँ भैया, जौने गाँव हम मारे। बहुत गरीब बाप है, है? कुछ नहीं भैया। अरे अतहरा ली का मना करो सारे के यहाँ। तुम्हारी टांगे नोंदरी का आ, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ पहले आ? आ? क्या दो दो हाथ? हाँ चल 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 तैयार। ये पाल खींचता है क्या? कबड्डी खेलना चाहता है? होई लपटू डंडा घाल। ये पाल खींची? हाँ, तुम यही पार आ जाइए तो तुम मरी जाइए। अरे आऊंगा नहीं रे। तुम ऐसी आ जाइए है तो तुम मरी जाइए। मर गया मैं, मान लो हम ऊंघे चले जाइबा तो हम जिंदा हैं। तुम सालों साला बोलता है जब तुम उधर आ जाओगे मर जाओगे, और ये साला बोलता है जब हम इधर आ जाएंगे तो जिंदा। तुम भी मर जाओगे रे। लड़ाई शुरू कब हुई? और लड़ाई बंद कब हुई? बोल बोल तेरी बात। हम तुम्हारे तरह हो जाएगा लड़ाई तुरंत। तेरी लड़ाई बंद हो जाएगी। हाँ। और जब ऊपर आ जाएगा तो लड़ाई चालू हो जाएगी। तो साले मार डालना चाहता है क्या रे? यही लड़ाई हुई है, यही लड़ाई होगी। हाँ। चलिए तेरी ये भी लड़ाई मुझे मंजूर है, मंजूर है। चल तैयार हो जा। तो निकल गया, निकल गया, भग गया। हाँ भैया। अरे भैया और क्या, आपको बुरा लगा है कुछ? आज तक संसार में मेरा कोई भैया मुझे कहने वाला नहीं था। आज तक संसार में मुझे कोई भैया कहने वाला नहीं था, ना ही तो मेरी बहन थी जो मुझे भैया कहती। तूने मुझे भैया कहा है ना, तो मैं तुझे बहन कहता। भैया, आज तक मेरे भी कोई भाई नहीं थे। तुम्हारे भी कोई